ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर बीजेपी के चाणक्य और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक बार फिर बंगाल के दो दिवसीय दौरे पर है। इस दौरान अमित शाह ने दक्षिण 24 परगना में परिवर्तन रैली को हरी झंडी दिखाई। बंगाल फतह करने के लिए बीजेपी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। इसी सिलसिले में परिवर्तन रैली को रफ्तार देने के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने काक द्वीप के नामखाना में जनसभा को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी पर जमकर हमला बोला। अमित शाह ने कहा कि हम बंगाल में बदलाव करने के लिए आए हैं, क्या बंगाल में दुर्गा पूजा नहीं होनी चाहिए। शाह ने दावा किया कि एक बार विधानसभा चुनाव के बाद हम तृणमूल कांग्रेस को उखाड़ फेंकेंगे। ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए अमित शाह ने कहा कि जय श्री राम का नारा लगता है तो दीदी बोलती है कि उनका अपमान करते हैं। अमित शाह ने कहा कि जय श्री राम का नारा तो लगाना चाहिए, दीदी कहती है कि इस नारे से उनका अपमान हुआ। अब बताइए किसका अपमान होता है जय श्री राम के नारे से। तुष्टिकरण के खिलाफ है जय श्री राम का नारा। इस नारे को लेकर बीजेपी घर घर जाएगी। यह नारा दीदी के कानों तक पहुंचना चाहिए। दुर्गा पूजा और सरस्वती पूजा को लेकर भी अमित शाह ने ममता बनर्जी पर निशाना साधा और कहा कि क्या बंगाल में दुर्गा पूजा नहीं होनी चाहिए, इसके लिए कोर्ट की परमिशन लेनी पड़ती है, क्या सरस्वती पूजा नहीं होनी चाहिए। ममता दीदी ने इन पर रोक लगा दिया। केवल बीजेपी की तरफ से दबाव के बाद उन्हें देवी सरस्वती की पूजा करते देखा गया। दीदी, बंगाल को पता है कि आपने स्कूलों में सरस्वती पूजा पर रोक लगाई है। अमित शाह ने मछुआरा समुदाय को साधने की भरपूर कोशिश की और सभा में ऐलान किया कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो सभी मछुआरों को 6,000 रुपए सालाना दिए जाएंगे। शाह ने कहा कि ममता बनर्जी ने बंगाल में घुसपैठियों को जगह दी, लेकिन हमारी सरकार के आते ही हम एक एक घुसपैठियों को बाहर निकाल देंगे। बंगाल में फैले अराजक माहौल को लेकर अमित शाह ने कहा कि यह लड़ाई बंगाल को सोनार बंगाल बनाने के लिए बीजेपी की जंग है। यह लड़ाई हमारे बूथ कार्यकर्ताओं और टीएमसी के सिंडिकेट के बीच है। ममता के रहते कानून नहीं रह सकता है। आपको ममता के गुंडों से डरने की जरूरत नहीं है। चुनाव के दिन एक भी गुंडा सड़क पर नहीं दिखेगा। बंगाल की जनता से अपील करते हुए अमित शाह ने कहा कि आपने कम्युनिस्टों को भी मौका दिया, तृणमूल को भी मौका दिया, बस एक बार बीजेपी को मौका देकर देखिए। केवल 5 सालों में ही बंगाल को बदल कर रख देंगे। डबल इंजन की सरकार से ही विकास संभव है। रविंद्रनाथ टैगोर, रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद, सुभाष चंद्र बोस, चैतन्य महाप्रभु की कल्पना का बंगाल बने, इसके साथ हम सबको साथ आकर काम करने की जरूरत है। ममता बनर्जी पर आरोप लगाते हुए अमित शाह ने कहा कि बंगाल के विकास के लिए मोदी जी ने बहुत पैसे भेजे, लेकिन ये सारे पैसे ममता दीदी के सिंडिकेट की भेंट चढ़ गए। अम्फान तूफान में केंद्र सरकार ने राज्य के लिए पैसा भेजा, उन पैसे को ये टीएमसी के गुंडे खा गए। बीजेपी की सरकार बनाइए, कोई घुसपैठिया तो क्या परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। राजनीतिक हिंसा में 130 से अधिक बीजेपी के कार्यकर्ता मारे गए। अगर बीजेपी की सरकार आती है तो उन अपराधियों को पाताल से भी ढूंढकर निकालेंगे और सजा देंगे। जनसभा के बाद शाह ने यहाँ से भाजपा की 5वीं परिवर्तन यात्रा को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर शाह ने कहा कि राज्य के सभी 294 विधानसभा क्षेत्रों से भाजपा की परिवर्तन यात्रा गुजरेगी। अमित शाह ने नारायणपुर गांव में एक गरीब शरणार्थी परिवार के घर दोपहर का भोजन किया। भोजन के पश्चात शाह ने काक द्वीप में एक रोड शो भी किया। नामखाना में सभा को संबोधित करने से पहले गृह मंत्री अमित शाह सुबह कोलकाता के भारत सेवा श्रम संघ के दफ्तर पहुंचे। अमित शाह ने यहां पूजा अर्चना की और वहां मौजूद लोगों से मुलाकात की। इसके बाद अमित शाह गंगा सागर पहुंचे और कपिल मुनि के आश्रम में आरती की और संतों से मुलाकात भी की। पॉलिटॉक्स ब्यूरो बंगाल। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।